नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन डिश भाई देव में। आज हम बनाएंगे तरबूज का जूस, वो भी बहुत ही आसान तरीके से बिना मिक्सी का प्रयोग किए। तरबूज का जूस गर्मी में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, कैलोरी बहुत ही कम होती है। आप इस ड्रिंक को पीकर अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। तरबूज के जूस पीने से शरीर में पानी की कमी की पूर्ति होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तरबूज को काट लेंगे। आप चाहे तो तरबूज को इस तरह से भी काट सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। ऐसे हमें बीच में से सिर्फ पल्प को निकालना है और छिलके को अलग कर देना है। और दूसरी तरीका यह है, आप कोई भी चम्मच वगैरह ले और उसे इस तरह से निकाल दें, ये बहुत ही इजी तरीका रहेगा। तरबूज बहुत ही सॉफ्ट होती है, ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। देख सकते हैं कितने आसानी से निकल गए हैं। दोनों तरीके में से आपको जो भी तरीका पसंद आए आप उसी का इस्तेमाल करें। आज मैं तरबूज का जूस निकालने के लिए किसी भी मिक्सी का इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैंने यहाँ पे तरबूज के पल्प को अलग कर दिया है। अब हम इसमें इस तरह से पहले एक गमले में छलनी रख देंगे, फिर उसे इस तरह से रस निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बिना मिक्सी जार के भी ये कितने अच्छे से निकल गए, और जो भी बीज वगैरह होगा वो इसी में रह जाएगा। इसी तरह हम सारे तरबूज के रस निकाल लेंगे। बचे हुए तरबूज के बीज और पल्प को हम अलग से निकाल देंगे। अगर कभी आपके पास मिक्सी ना हो तो आप भी इस आसान तरीके से तरबूज का जूस घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे ग्लास में सर्व करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे 2-4 आइस क्यूब। तैयार है हमारे ठंडा ठंडा तरबूज के जूस। आप इसे कभी भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आप भी इस तरह से जूस बनाएं और इन्जॉय कीजिए।